नागपुर महिला पतंजलि योग समिति द्वारा जिला पतंजलि योग समिति व युवा भारत के सहयोग से जारी ऑनलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर को प्रशिक्षणार्थी तथा पतंजलि राज्य एवं केंद्रीय समितियों द्वारा सराहा जा रहा है। नागपुर जिला महिला प्रभारी उर्मिला जुवारकर के प्रयत्नों से तथा राज्य प्रभारी शोभा भागिया, जिला प्रभारी छाजूराम शर्मा, पंकज बाते एवं पदाधिकारियों के सहयोग से जारी 25 दिन सुबह शाम चलने वाले इस शिविर को जिला एवं राज्य के तज्ञ योग शिक्षक, राज्य एवं केंद्रीय प्रभारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होकर योग, प्राणायाम, आसन, आहार, आध्यात्म एवं संस्कार की समूल जानकारी तकरीबन सैकड़ों शिविरार्थी प्राप्त कर जीवन को सहजता से और स्वस्थ जीने के गुण प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 20 दिनों से जारी इस सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण के दिनांक 16 अक्टूबर की सुबह के सत्र की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार अमरचंद्र जैन एवं उनकी पत्नी द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुई थी। संचालन सावनेर तालुका प्रभारी किशोर डुंडले एवं महिला प्रभारी लता ढवे ने किया था। योग, प्राणायाम, योगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, मकरासन, भुजंगासन, नौकासन, वज्रासन, सर्वांगासन आदि आसन एवं आहार संबंधित जानकारी शिविरार्थी को दी। कोरोना की इस महामारी में योग ऋषि स्वामी रामदेव द्वारा समस्त देशवासियों के साथ समग्र विश्व को योग प्राणायाम से अपने आप को स्वस्थ एवं निरोगी रखने हेतु परिश्रम ले रहे हैं। उसी कड़ी में संपूर्ण देश में पतंजलि योग समिति के पदाधिकारी ऑनलाइन सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाकर योग, प्राणायाम, आध्यात्म एवं संस्कार को घर घर पहुंचा रहे हैं। दिनांक 28 सितंबर से जारी 25 दिवसीय इस शिविर सफलतार्थ राज्य कार्यकारिणी सदस्य शशिकांत जोशी, राजेंद्र जुवारकर, कमल गुप्ता, डॉक्टर सरिता इंगवे, सुरेखा नवघरे, पराग जुवारकर, संगीता मिश्रा, माधुरी ठाकरे, चारू पाटिल, अभिषेक जुवारकर, विनोद काय, मास्टर सुजल ग्यार आदि परिश्रम ले रहे हैं।